हम तुहाडे सामने मुख्तसर इंतहाई मुख्तसर वक्त वास्ते तशरीफ लियांदे ने जनाब हजरत मौलाना फजाल अहमद साहब फैजाल महमूद यजदानी साहब और उन्होंने तो मुतसिल बाद हजरत मौलाना कारी मुहम्मद हनीफ साहब आजिज उन्होंने तकरीर शुरू हो जाएगी और फिल फॉर इंशाल्लाह मुहम्मद अलियास मदनी साहब जो कि तशरीफ ले आ चुके ने उन्होंने तारीख तकरीर होगी और उस तो बाद इंशाल्लाह अजीज प्रोग्राम इसी तरह जारी और सारी रहेगा। जनाब फजाल महमूद यजदानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला वला मिस्ल लहु वला मिसाल ला किस्म की हमदोसना तारीफा तस्बीहा तंजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाम अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की जात के लिए हैं जो सबका मालिक खालिक आदित रवा मुश्किल कुशा अकेला ही दाता दस्तगीर गौसे आज़म है फ़ालुल लिमा युरीद है अला कुल्ली शैइन कदीर है। दुरूद व सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन इमाम सकलैन रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आला बाला पर दुरूद सलाम के बाद बेहद मशकूर हूँ मोहतरम व मुकर्रम मौलाना नियाज़ इलाही घोरसी साहेब अहबाब जमात रुफ़का इंतज़ाम एहतमाम फरमा कर आप अहबाब की ज़ियारत और मुलाकात का शर्फ़ बख्शा है। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग आए हैं बड़े बड़े कामयाब बंदे बड़े बड़े स्टेटस वाले बड़ी बड़ी शोहरतों वाले बड़े बड़े मर्तबों वाले हर बंदे का अपना तआरुफ है अपना स्टेटस है अपनी वैल्यू है। दुनिया के किसी मैदान में किसी शोबे में किसी जगह पर आप बड़े से बड़े आला से आला मर्तबे वाले बंदे को देख लें हर बंदे की जिंदगी अपना एक तआरुफ रखती है।
बेशुमार साइंसदान भी, बेशुमार इंजीनियर भी, बेशुमार डॉक्टर भी, अदीब भी, कायद भी, लीडर भी, शायर भी, मुफस्सिर भी गुजरे हैं। हर बंदे की जिंदगी पर एक किताब उसकी सवान हयात लिखी जाती है। किसी भी बंदे की सवान हयात उसकी जिंदगी का तआरुफ उसकी पैदाइश से शुरू होता है, वफात पर खत्म हो जाता है। किसी भी बंदे की जिंदगी के ऊपर सवान हयात उसकी किताब देखें, लिखने वाला लिखता है ये साहेब फलां जगह पर पैदा हुए, फलां शहर में पैदा हुए, फलां वालिद था, फलां वालिदा थी, फलां जगह से तालीम हासिल की, ये काम किए, ये कारनामे किए। आखिर में वो लिखता है फलां जगह पर ये कारनामे, ये काम करते हुए ये बंदा फौत हो गया। जिसकी भी आप सवान हयात देखेंगे, तआरुफ देखेंगे, उसकी जिंदगी के तआरुफ का आगाज उसकी पैदाइश से शुरू होता है, उसकी वफात पर खत्म हो जाता है। मैं नहीं जानता खताबत क्या चीज है और किस बला का नाम है। पहला जुमला, पहला नुक्ता, पहला पॉइंट, पहले अकीदे की बात आप अहबाब के हवाले कर रहा हूं। दुनिया में जितने आए हैं, बड़े से बड़ा हो, आला से आला हो, हर एक की जिंदगी और उसकी सवान हयात का तआरुफ उसकी पैदाइश से शुरू होता है, वफात पर खत्म होता है। एक मेरे आका की जात है, एक मेरे मुस्तफा की जात है, एक मेरे पैगंबर की जात है, एक मेरे हबीब की जात है, एक रहमतुल आलमीन की जात है। आका का तआरुफ पैदाइश से शुरू नहीं होता, वफात पर खत्म नहीं होता। शुरू कब से हो रहा है? वाइज़ा खज़ल्लाहु मीसाकल नबीयीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न। अल्लाह आलम अरवाह के अंदर अंबिया की जमात को बुलवाकर मेरे आका का तारुफ नोट करवा रहे हैं। पैदाइश से पहले है, वलादत से पहले है, दुनिया में आने से पहले है, तब से तारुफ चला रहा है। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को भेजा है। आदम भी आते रहे हैं, नूह भी आते रहे हैं, यूनुस भी आते रहे हैं, यूसुफ भी आते रहे हैं, याकूब भी आते रहे हैं, साले भी आते रहे हैं, खलीलुल्लाह भी आते रहे हैं, जबीउल्लाह भी आते रहे हैं, कलीमुल्लाह भी आते रहे हैं, नदीउल्लाह भी आते रहे हैं, सफीउल्लाह भी आते रहे हैं। तमाम के तमाम अंबिया अपनी 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 जगह पर, अपनी अपनी बारियों पर, अपने अपने वक्तों पर आते रहे हैं। मेरे आका का तारुफ जो है वो आलमे अरवा से शुरू हो रहा है और क्यामत की दीवारों तक जारी और सारी रहता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे आका का तारुफ आलमे अरवा से शुरू हो रहा है। कल क्यामत वाले दिन तक मेरे मुस्तफा का तारुफ जारी और सारी है। और मेरे आका इस्लाम ने क्या कहा, बियदी लिवाउल हमदी आदम फमन दूनहु तहता लिवाई यौमल कियामा। तमाम के तमाम अंबिया, बड़े से बड़े रसूल, सबका मुकाम अपनी जगह पर, सबका मर्तबा अपनी जगह पर, सबका रुतबा अपनी जगह पर मेरा अल्लाह मेरे आका को क्या मुकाम दे रहा है, महबूब को क्या शान दे रहा है, महबूब को क्या इज्जत दे रहा है। हजरत आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रवायत बयान करते हैं, क्यामत का दिन है, अंबिया भी मौजूद हैं, सुलहा भी मौजूद हैं, अतकिया भी मौजूद हैं, बड़े से बड़े मौजूद हैं, सारे के सारे लोग हजरत आदम के पास जाते हैं। इश्फलना इला रब्बी का, ए आदम आप तो अब्बा जी, आप सारी मखलूक के बाद आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, इन्ना रब्बी कद गज़िबल यौमा गज़बन लम यग़्ज़ मिस्लहु वलम यग़्ज़ बादहु मिस्ला।
मेरा रब आज से पहले न इतना कभी नाराज हुआ था ना नाराज होगा। आदम अपने रब के सामने जाने से डरता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे आप नूह के पास जाइए, लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हमारी सिफारिश कर दीजिए। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मैं सिफारिश नहीं कर सकता, इब्राहिम के पास, इस्माइल के पास, मूसा के पास, ईसा के पास, सारी दुनिया इकट्ठी होकर मेरे आका के पास आ रही है, महबूब के पास आ रही है, हबीब किबरिया के पास आ रही है, खातमुर रसूल के पास आ रही है, इमामुल मुरसलीन के पास आ रही है, रहमतुल आलमीन के पास आ रही है। महबूब आप सिफारिश कीजिए, आप अल्लाह से कहिए, आप अल्लाह से सिफारिश कीजिए। महबूब सब लोगों को लेकर चलेंगे अल्लाह के सामने। मेरे महबूब ने अपने सर को सजदे में झुका रखा है। हाय मेरे अल्लाह, अपने अंदाज में, अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में लोग अंबिया महबूब कहेंगे। अंबिया आ नहीं रहे थे, मेरा अल्लाह महबूब से कहेगा वो आते नहीं थे, तुझे जाने नहीं देता। वो कहेंगे मनाएंगे कैसे, मैं कहता हूँ बात तो कर, मैं मानने की आज हद पार कर देता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासा का या मोहम्मद, मोहम्मद आज अपना सर उठाइए, सर तो तू मांगता जा, मैं रब तुझे अता करता जाऊंगा। मुकाम है मेरे हुजूर का, मर्तबा है मेरे हुजूर का। मेरे आका ने कहा है अना सैयदुन नासी यौमल कियामा, मैं कियामत वाले दिन सारी की सारी इंसानियत का, सारे के सारे लोगों का मैं सरदार हूंगा। अपनी बात को आखिर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, मोहब्बत बड़ी बात करने लगा हूँ। अल्लाह जुल जलाल ने जितने अंबिया को भेजा, भेजते हुए क्या कहा, वाइजा खज अल्लाह मीसा कल नबी जिन लमा तैतुकुम मिन किताब बिम्ब हिकमा, मिन किताब बिम्ब हिकमा। ए आदम अलैहिस्सलाम आप जा रहे हैं मिन किताब बिम्ब हिकमा, आदम आप इतना ले जाइए, आपके बाद नूह आ रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम आए मिन किताब बिम्ब हिकमा, नूह आप इतना ले जाइए, आपके बाद इब्राहिम आ रहे हैं, इब्राहिम आए मिन किताब बिम्ब हिकमा, तमाम के तमाम पैगंबर आए। अल्लाह ने कहा मिन किताबी व हिकमा, इतना 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 आप ले जाइए। जब मेरे महबूब की बारी आई, हबीबे किबरिया की बारी आई, इमामुल मुरसलीन की बारी आई, रब ने हदें भी खत्म कर दी है। रब ने यह नहीं कहा मिन किताबी व हिकमा, बल्कि मेरे रब ने क्या कहा, अल यौमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। महबूब आप इतना इतना नहीं, इतना इतना नहीं, जो अंबिया पहले लेकर गए थे वो भी ले जाइए, जो बाद में है वो भी ले जाइए। महबूब तेरे बाद रिसालतें भी खत्म है, नबूवतें भी खत्म है। मर्तबा है मेरे हुजूर का, मुकाम है मेरे हुजूर का। रब ने कहा लकद मन्नल्लाहु लकद मन्नल्लाहु लकद मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज बाअसा फीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया है अपने महबूब को भेजकर, आखिरी बात है। और मेरे भाइयों एहसान क्या होता है, अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतें भेजी। हाथ एक नेमत है, आंख एक नेमत है, जुबान एक नेमत है, कान एक नेमत है, पूरे का पूरा वजूद एक नेमत है। अल्लाह तूने आंख दी, तूने हाथ दिए, तूने कान दी, तूने जुबान दी, तूने पूरे का पूरा वजूद दिया। अल्लाह तूने सारे का सारा वजूद दिया। अल्लाह तूने ये नहीं कहा, अल्लाह तूने अपने एहसान का तज़किरा नहीं कहा। अल्लाह तूने लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन तब कहा जब अपने रसूल को भेजा। मैं अपने अंदाज में, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुझे आंख दी, मैंने अपने खजाने में देखा बड़ी बड़ी आंखें मौजूद हैं, और आंखें बड़ी हैं, सुनहरे भी हैं, नीली भी हैं, बड़ी बड़ी किस्म की आंखें, बड़ी खूबसूरत आंखें। तुझे चेहरा दिया, तुझे चेहरा देने के बाद मैंने अपने खजानों में देखा बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े प्यारे ने चेहरे हैं। हाथ दिए, मैंने देखा मेरे खजानों में बड़े बड़े हाथ हैं। सबका सब दिया, ये मामूली चीजें थी। अल्लाह फरमाते हैं जब मैंने अपने खजानों में देखा महबूब को देने के बाद, मुझे ना तो महबूब की मिसल कोई नजर आया, ना महबूब के बाद कोई नजर आया है, ना तो महबूब जैसा कोई नजर आया है, ना महबूब के बाद कोई नजर आ रहा आया है। इसलिए मैं अल्लाह ने कहा है लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, आज मैंने एहसान कर दिया है। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ता आला हमारा नबी, जिसका कौन है नमे कोई सानी नहीं,
है वो जग से निराला। हमारा नबी आबे कौसर पियेंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला। हमारा नबी आबे कौसर पियेंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला। हमारा नबी जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम है वो सच्चा हवाला। हमारा नबी आमीना का दुलारा। हमारा नबी सबकी आंखों का तारा। हमारा नबी अबू बकर हो उमर हो गनी हो अली सबका मौला वो आका। हमारा नबी कोई नबी ना कियामत तलक आएगा। कोई नबी ना कियामत तलक आएगा। अब कियामत तलक है। अब कियामत तलक है। हमारा नबी अंबिया की कहानी खत्म हो गई। आखिरी है शुमारा। हमारा नबी आयशा से रवायत है कुरआन पढ़ो ये है सारे का सारा। हमारा नबी हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतें आयतों से सिपारा। हमारा नबी जिसे यासी मुजम्मिल मुदस्सिर कहा वज़ुहा भी पुकारा। हमारा नबी जिसको वल्लैल रब ने कुरआन में कहा ज़ुल्फ़ को निखारा। हमारा नबी वो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।